पूछना पड़ेगा कि मम्मी अगर तुम ये वीडियो देख रही तो बताओ कि मेरी शादी कब कराएगी तुम। तो दोस्तों सबों को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ मैं जंगलों के बीच में हूँ। तो आज हम जा रहे हैं तोरपा, तोरपा के आगे मरचा। तो वहाँ मेरा एग्जाम है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे, मतलब किस तरह से जाएंगे उसको देखिए आगे। तो यहाँ का नज़ारा थोड़ा आपको दिखाते हैं किस तरह से है इधर। तो यहाँ ये वाला रोड में जा रहे हैं, आगे हमको मिलेगा कर्रा, कर्रा के लोधमा तो पार हो चुके हैं, कर्रा मिलेगा। तो यही रोड में आगे निकलेंगे हम। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं तोरपा, और ये हमारी स्कूटी है, और यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो रोड यहाँ बहुत ही अच्छा है, और इधर अब खेती बाड़ी का मौसम, तो इधर सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। तो इस तरह से, और यहाँ गर्मी के मौसम में जब गांव से यहाँ आते हैं, इस रूट से गुजरते हैं, तो ये सब खेतों में हमेशा ये तरबूज होता है। तो ये बाहर, मतलब ये आसपास यहाँ की गांव वाले लोग यहाँ सब वो सब बेचते हैं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो आगे देखते हैं आगे का आगे क्या 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 सब मिलेगा, ये सब आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं हम पहुँच गए हैं अपना एग्जाम सेंटर, और इधर किस तरह से भीड़ भाड़ है, यहाँ सभी को एग्जाम देने आए हैं। तो अब मैं मरचा से लौट रहा हूँ। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये है आईजे ब्लॉक का ससुराल, और इधर उसका घर है, इधर ये आम पेड़ के पीछे में। तो उधर घर तो नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को आगे एजे ब्लॉक से मिलवाते हैं, वो रहता है खूंटी में। कौन है कैसे है आगे ब्लॉक में ही पता चलेगा। तो अभी हम आए हैं यहाँ यर साहब का होटल में, और यहाँ का सबसे फेवरेट है गुलगुल्ला। तो यहाँ हम गुलगुल्ला खाने वाले हैं अभी। इधर यर साहब है पीछे में, और ये है डन टोली। डन टोली में यहाँ इस तरह का नज़ारा है यहाँ। तो कभी भी आइएगा तो ये वाला होटल में जरूर खाइएगा ये वाला। कुछ होटल का नाम ये क्या है? अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो यहाँ गुलगुल्ला यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ गुलगुल्ला अब यहाँ से यर साहब का होटल में खाने के बाद में अब हम रांची के लिए आगे निकल चुके हैं। और ये है यहाँ का रोड, यहाँ रोड बहुत सुंदर है। इधर आगे खूंटी के बाद रांची, तो खूंटी में देखते हैं एजे ब्लॉक ब्लॉक से मिलते हैं। तो आगे बने रहिए वीडियो में। तो अब आगे देख पा रहे हैं हम यहाँ अंगराबाड़ी पहुँच गए हैं, और यहाँ रक्षाबंधन में मेला लगता है। तो इधर मंदिर है, अभी तो नहीं दिख रहा है। यहाँ गांव, मतलब इस आसपास के सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और आज तो मेला प्राय प्राय ख़त्म होने ही वाला है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ मेन मेला लगता है। इधर इस तरह से दुकान सब सजा हुआ है, तो इस तरह का कुछ यहाँ नज़ारा है। तो आगे हम खूंटी पहुँच के बताते हैं कि आगे हम एक खास, जिसे बता चुके हैं कि एजे ब्लॉक से मिलने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। तो जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये पीछे वाला सीन और ये रूम देख पा रहे हैं मुंडा जी, और इधर है मिस ज्योति। मिस ज्योति नहीं, मिसेस बार। अच्छा मिसेस बार। और इधर है एजे, मतलब ए से अमित, और इधर जे से ज्योति, मतलब हम एजे ब्लॉक के रूम में हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं, तो आज ये लोग से हम मिलने आए हैं। तो आगे देखिए, इधर ज्योति खाना बना रही है। इसीलिए अभी खाना बन रहा है। तो आगे देखिए, तभी हम लोग खाने वाले हैं, और आज का लंच रेक्स, अलेक्स और एजे ब्लॉक के संग ना। एजे ब्लॉक के संग, और ज्यादा कुछ नहीं है आज, रुखा सुखा ही है। रुखा सुखा मतलब अभी फूलगोभी बहुत महंगा है, हमको अच्छा लगता है फूलगोभी। तो आज यहाँ लंच करने वाले हैं एजे ब्लॉक, और इधर मिस बारला, मिसेस बारला। तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो बहुत पहले के, मतलब मेरे वीडियोज में भी देखते थे साथ में, और बहुत दिन से एजे ब्लॉग भी कहाँ चला गया था, ऐसे आप लोग कमेंट सब कर रहे थे। तो यहाँ एजे ब्लॉग रहता है अभी फिलहाल खूंटी में, इधर दोनों का शादी हो गया,
अभी हम वहाँ अकेले पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मतलब बहुत साथ में नहीं आ रहे हैं। साथ में मतलब इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। फिर हम मेरी शादी भी है, तो मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मम्मी अगर तुम ये वीडियो देख रही तो बताओ कि मेरी शादी कब कराएगी तुम। जल्दी से जल्दी कराओ, इधर मेरा दोस्तों को इंतजार है। तो अब आगे हम लोग खाते हैं। तो एजे ब्लॉक के यहाँ खा के अब हम निकल रहे हैं अपना गंतव्य स्थान की ओर, रांची। तो दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद आने के लिए, और आते रहिए ऐसे ही, और तब अच्छा लगेगा। तो फिर कहीं का फिर सुनो, जल्दी से कहीं का प्लान बनाओ, मतलब कहीं कोई अच्छा वाला मीटअप वगैरह का, फिर हम लोग निकलेंगे साथ में। तो उस दिन के मतलब मीटअप रखने तो दूर रहते हैं। हाँ, तो उस दिन का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और आज के ब्लॉग में इतना ही नहीं, अभी रांची पहुंचेंगे फिर इतना होगा। तो अभी रास्ते में देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द। दोस्तों अब हम निकल गए हैं अपने मंजिल की ओर, वापस लौट रहे हैं मरचा से, और इसी बीच हम एजे ब्लॉग से भी मिले। तो यहाँ पहुँचे हैं जोड़ापुर, तो इधर नदी है, तो आगे हम पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। दोस्तों अब हम फाइनली अपने रूम पे आ चुके हैं, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एजे ब्लॉग के साथ, मतलब बहुत दिन बाद मिले तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने यार दोस्तों और अपने चाहने वालों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए।